हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी पांच चीजों के बारे में बताऊंगी जिनका यूज करके आप घर के बैक्टीरिया, वायरस, मक्खी, मच्छर को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। इन पांच चीजों में से जो भी एक चीज आपके घर में उपलब्ध हो आप उसका यूज करें, और इस उपाय को करने में आपको केवल 2 मिनट का समय लगेगा और साथ ही इससे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। अपने घर की साफ सफाई का हम पूरा ध्यान रखते हैं, यहाँ तक कि हम बाजार से महंगे लिक्विड लाकर भी सफाई करते हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है। क्या आप जानते हैं हमारे घर का 90% पार्ट ऐसा होता है जहां हम रोज सफाई नहीं करते। ऐसे में वहां कई सारे बैक्टीरिया व वायरस पनपने लगते हैं, और बैक्टीरिया व वायरस हमारे लिए कितने खतरनाक हैं आज पूरी दुनिया अच्छे से जान चुकी है। साथ ही घर के कोनों में मलेरिया, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू और जापानी इंसेफ्लाइटिस जैसी खतरनाक बीमारियों को फैलाने वाले मच्छर छिपे होते हैं, और आंकड़ों की माने तो हर साल पूरी दुनिया में 10 लाख लोग मच्छरों के कारण होने वाली बीमारियों से अपनी जान गंवा देते हैं। इसलिए इनसे पीछा छुड़ाना जरूरी है, और आज जो मैं आपको पांच चीजें बताने जा रही हूँ, यदि आप उनमें से केवल एक चीज का भी यूज करेंगे तो आप अपने घर के बैक्टीरिया, वायरस, मच्छर, मक्खी, कॉकरोच से पीछा छुड़ा पाएंगे। तो आइए जानते हैं इन पांच चीजों के बारे में। आम की लकड़ी। आम की लकड़ी को जलाने से घर के सभी वायरस, बैक्टीरिया व मच्छर मक्खी खत्म हो जाएंगे। आइए जानते हैं कैसे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आम की ही लकड़ी क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए। आम की लकड़ी को जलाने पर कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अति ज्वलनशील होने के कारण नमी होने पर भी आसानी से जल जाती है। आम की लकड़ी जलाने पर घर के सभी हानिकारक जीव मर जाते हैं, क्योंकि जब भी आम की लकड़ी जलाते हैं तो फॉर्मिक एल्डिहाइड नामक गैस उत्पन्न होती है, जो कि खतरनाक बैक्टीरिया व वायरसों को पूरी तरह से खत्म कर घर के वातावरण को शुद्ध करती है। और यह तो आप जानते ही होंगे कि हवन में केवल आम की लकड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता है, और रिसर्च के अनुसार यदि आधे घंटे हवन में बैठा जाए तो टाइफाइड जैसे खतरनाक रोग फैलाने वाले जीवाणु मर जाते हैं और हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। रिसर्च में यह भी देखा गया कि जिस कमरे में आम की लकड़ी को जलाया गया उस कमरे में 95% बैक्टीरिया का स्तर कम हो गया, और खिड़की दरवाजे खोलने के 24 घंटे बाद भी जीवाणुओं का स्तर सामान्य से 85% कम था, और आम की लकड़ी के धुएं का असर 30 दिनों तक रहा। तो इसलिए यदि आप 15 दिन में एक बार भी आम की लकड़ी का धुआं घर में करते हैं तो आपके घर के 95% तक खतरनाक बैक्टीरिया, वायरस, मच्छर व मक्खी खत्म हो जाएंगे। गूगल। गूगल एक वृक्ष का नाम है जिसके तने पर चीरा लगाकर इसका गोंद प्राप्त किया जाता है, जिसे भी गूगल कहते हैं। यह पीला, लाल व सफेद रंग का हो सकता है। आयुर्वेद में भी इसको जलाने से होने वाले फायदों के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह आपको आसानी से किसी भी किराना स्टोर पर मिल जाएगा, केवल 10 या 20 रुपए में। गूगल की धुनी से घर के हर तरह के रोग व दोष खत्म हो जाते हैं। इसकी धुनी से थायराइड नियंत्रण में रहता है। ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने में भी फायदेमंद है। शरीर में सूजन और जोड़ों का दर्द हो तो इसका उपयोग लाभदायक होता है। खून की खराबी से यदि शरीर पर चकते या पिंपल्स हो रहे हो तो गूगल असरदार दवा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका मस्तिष्क तनाव मुक्त रहे, शांत रहे और आप अवसाद से दूर रहे तो आपको अपने घर में गूगल अवश्य लाना चाहिए। स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार गूगल की सुगंध से सिर का दर्द तक ठीक हो जाता है, और इसको जलाने से निकलने वाले धुएं से मस्तिष्क शांत रहता है, शारीरिक थकान भी कम होती है, और यह आपकी स्किन की झंझनाहट की समस्या को भी कम करता है। साथ ही यह घर में बीमारी पैदा करने वाले वायरसों और बैक्टीरियाओं को भी खत्म करता है। तेजपात के पत्ते। तेजपात के पत्तों का इस्तेमाल भारतीय रसोई में खाना बनाने में खूब होता है। ये कई सब्जियों का जायका बढ़ा देते हैं, लेकिन रसोई घर से हटकर भी इसका एक बड़ा फायदा है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। तेजपात के पत्ते को एक बर्तन में रखकर कमरे में जला दें, फिर जो चमत्कार होगा वह आपको हैरान कर देगा। दरअसल कमरे में तेजपात का पत्ता जलाने से न सिर्फ यह कमरे को महकाएगा बल्कि यह तनाव को भी कम करेगा। घर को खुशबूदार बनाए रखने
लगाने के लिए लोग तरह तरह के रूम फ्रेशनर्स का इस्तेमाल करते हैं, महंगे इत्र भी छिड़कते हैं, लेकिन इन सभी का काम तेजपात का पत्ता ही कर देगा। यह दिमाग को शांत करने के साथ साथ स्ट्रेस को भी दूर करता है। इसे जलाने पर निकलने वाली गंध से थकान और चिड़चिड़ाहट भी दूर होती है। इसके अलावा इस धुएं से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और एक रिपोर्ट के अनुसार तेजपात का पत्ता आसपास के वातावरण में मौजूद दूषित कणों को भी काटता है। वहीं मिर्गी के रोग में तेजपात के पत्ते का धुआं दिया जाता है। इसके अलावा घर के मच्छर, मक्खी व कॉकरोच भगाने के लिए भी तेजपात के पत्ते का प्रयोग होता है। इसे जलाकर कमरे व रसोई घर के कोनों में रख दें, लेकिन ध्यान रखें कि एक साथ बहुत सारे पत्ते न जलाएं, एक बार में केवल एक ही तेजपात का पत्ता जलाएं। कपूर। वैज्ञानिक अनुसंधानों के अनुसार जलते हुए कपूर की सुगंध में रोग फैलाने वाले जीवाणु और विषाणु आदि नष्ट करने की क्षमता होती है। साथ ही मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों के मच्छर भी खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा कपूर का इस्तेमाल अरोमा थेरेपी में भी किया जाता है, क्योंकि कपूर जलाने से निकलने वाली गंध दिमाग की नसों को रिलैक्स करती है, जिससे तनाव दूर होता है। इसके अलावा इसकी गंध से अनिद्रा की समस्या भी दूर होती है। यदि आपको बार बार सिर दर्द होता है तो रोजाना इसको जलाने से सिर दर्द में आराम मिलेगा। कपूर जलाने से घर की वायु शुद्ध होती है। रोजाना एक चम्मच यानी एक रुपए का कपूर जलाएं। नीम के पत्ते। नीम के पेड़ का हर भाग लाभकारी होता है, इसलिए आयुर्वेद में इसे सभी रोगों की दवा भी कहा गया है। नीम के पत्तों में मार्गेसी, निम्बेडीन व निम्बे स्टेरोल नामक पदार्थ पाए जाते हैं, जो इसको कड़वा बनाते हैं। और नीम जितना ज्यादा कड़वा होता है उतना ही ज्यादा गुणों से भरपूर होता है। नीम के पत्तों में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो घर के सभी बैक्टीरिया व वायरस को नष्ट कर देते हैं। इसलिए घर में सप्ताह में एक या दो बार नीम के पत्तों की धुनी दें।